बोल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह मलिक है। क्या समस्या बताइए? और मैं यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो अपराध जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं दिनों दिन, खासतौर से महिलाओं के प्रति, और उस पर योगी की सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि उन घटनाओं पर सरकार ने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जिस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए। इसकी वजह से अपराधियों का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पूरी तरीके से निरंकुश हैं। हाल ही में अभी आगरा की ये घटना हुई, उसके अलावा उन्नाव की ये घटना हो चुकी है, इलाहाबाद में भी ये घटना इससे पहले हो चुकी है। सारी घटनाओं से अभी तक यही निकल कर आया है कि अपराध जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अपराधी पूरी तरीके से निर्भर हैं और निरंकुश, मतलब निडर हैं और निरंकुश हैं। उनको प्रशासन का कोई भय नहीं है। उसका कारण यह है कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ है, बीजेपी की सरकार में उनको संरक्षण मिला हुआ है। जिस तरीके से बुलंदशहर में जो घटना घटी थी उसमें मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिलाध्यक्ष योगेश राज आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, इतना लंबा समय हो चुका है, उसके बावजूद भी इससे यही निकलता है कि अपराधी कहीं ना कहीं राजनीति के संरक्षण में हैं। योगी बाबा मस्त हैं और कानून व्यवस्था यूपी की ध्वस्त है। हम लोग ये मांग लेके आए हैं, एक तो संजली का जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो, दूसरी बात महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएं जिसमें 3 महीने के अंदर मुकदमे का निस्तारण हो जाए। अगर मांग पूरी हुई क्या कदम उठाएंगे? मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी आज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय सांसद संजय भैया के नेतृत्व में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर यूपी में सारे जगह ज्ञापन दे रही है, धरना प्रदर्शन दे रही है। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, जनता से सहयोग लेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, पूरी तरीके से इस बात का विरोध करेंगे। अपने मस्त हैं, योगी मस्त हैं। खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज़।